फिश देखते हैं। फिश देखिए कितना अच्छा हुआ है, एकदम सॉफ्ट हो गया। पर कच्चा फिश बना ना लग नहीं रहा है, कितना अच्छा है ना, और एकदम सॉफ्ट। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा ब्लॉग डेली ब्लॉग भी तनिवा देखते रहिए। तो आज मैं बना रही हूँ फिश, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इलिश माछ, अभी आप लोग क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बताना जरूर। तो इसको इलिश बोलते हैं, कोई इल्सा बोलते हैं। इधर मैंने मसाला पीसने के लिए रेडी रखा, थोड़ा भिगो के रखा है राई, येलो वाला और ब्लैक वाला और छोटी वाली। और इधर मैंने मिर्ची ले लिया, मतलब आपको जैसा तीखा चाहिए वही हिसाब से, तो मैंने 6-7 मिर्ची ले लिया। तो पहले इसको मिक्सर में पेस्ट बनाएंगे, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक ऐड किया। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल जो भी बोलो, तो इसमें अभी थोड़ा सा तेल और नमक लगा के इसको रख देंगे, जब तक ये मसाला मेरा पीसना होता है। तो इसको अच्छे से रख देंगे मसाला लगा के। कुछ भी नहीं डाला, हल्दी भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ नमक लगाया, नमक का थोड़ा सरसों का तेल या राई का तेल जो भी बोलो लगा के इसको रख देंगे। तब तक मैं पेस्ट बना लेती हूँ। और इसको आज गैस पे फ्राई करके नहीं बनाएंगे, इसको स्टीम में बनाएंगे। इसको भापा इलिश बोलते हैं, अभी आप लोग क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। तो इसको पहले पीस लेते हैं, फिर गैस को ऑन कर देंगे, पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले पानी को गर्म होने देंगे, और मैं गैस पे ही बना रही हूँ। तो इसको गर्म होने देते भाप आने तक पानी, तब तक ये मास्टर पेस्ट की करके फिर आप लोगों को दिखा। पेस्ट मैंने बना लिया अच्छे से, देखिए एकदम पतला सा पेस्ट मैंने बना लिया। अभी इसमें मसाला मिक्स कर देंगे, और इसमें 2-3 हरी मिर्ची ऐसी डाल देंगे, और नमक मैंने फिश में डाला है, चाहिए तो थोड़ा सा नमक बाद में ऐड कर देंगे। और इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, क्योंकि फ्राई नहीं हो रहा है, तो वही हिसाब से तेल इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले तेल और मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से करो या चम्मच से करो, जो आपको पसंद है वही हिसाब से कीजिए। और फिश को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे हिसाब से चम्मच से ज़्यादा हाथ से अच्छा होता है, इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद है आप वही हिसाब से कीजिए। इसको 10 से 15 मिनट के लिए ये अच्छे से मिक्स हो के, ये जो मसाला मैंने पीसा है इसमें थोड़ा सा धो के पानी ऐड कर देंगे। इसे एकदम रेडी है, पानी अच्छे से गर्म हो गया, बॉयल हो रहा है। मैंने इस तरह से पानी में एक स्टैंड रखा है, आपके पास जो भी है आप वो हिसाब से रखिए। पर मेरा मैं सोच रही हूँ कांच का बर्तन है, तो ये इस तरह नहीं भी डालेगा तो भी चलेगा। तो इसको निकाल के देखते पहले ये इसके साथ अच्छे से बैठता है कि नहीं। गर्म है, संभाल के टाइम तो हाथ में झटका लग जाएगा, नहीं जा रहा है। डाल दिया, अभी इसको होने देते 10 से 15 मिनट के लिए। पहले 10 मिनट होने देंगे, फिर बीच में चेक करेंगे बराबर स्टीम हो रहा है कि नहीं। गैस को मैंने स्लो ही रखा है, और इसको ढक देंगे अच्छे से। आप चाहिए तो इसके अंदर भी एक बर्तन डाल रहे हैं ढकने के लिए कि जल्दी से गर्म हो जाए, पर ये एकदम इसके साथ बराबर है, तो मैं इस तरह से इसको ढक दे रही हूँ। इसको होने देते 10 मिनट के। मैंने कढ़ाई में पहले रखा था, लेकिन उसमें स्टीम अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने टोप में डाला है। अभी आप लोग को दिखाती हूँ, 10 मिनट हो गया, अब इसको खोल के देखेंगे कैसे। आपके पास जो भी स्टीम करने वाला हो आप उससे कीजिए। तो ये अच्छे से हो गया है, अभी इसको एक साइड पलटी कर दें, देखिए तेल कितना अच्छे से ऊपर आ गया। तो इसको एकदम आराम से पलटी कर लेते एक साइड, और एक साइड 5-7 मिनट के लिए होने देंगे। ऐसा तो फिश कुक हो गया अच्छे से, लेकिन एक साइड से और थोड़ा सा एक देखो फिश टूट रहा है, मतलब ये हो गया अच्छे से। इसको भी पलटी करके
ज़्यादा नहीं, और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से होने देते हैं। इसको फिर से धो, थोड़ा बड़ा बर्तन होएगा ना तो उसका स्टीम थोड़ा ऊपर तक आएगा तो अच्छा होगा, इसलिए मैं डबल कि अच्छे से कुक हो जाए। इसको और 5 मिनट स्टीम हो गया है, अभी इसको देखते हैं ओपन करके। अभी गैस को ऑफ कर देंगे, इसको और पकाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से पक गया। एकदम रेडी है, इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया, इसको 5 से 7 मिनट ऐसे ही रख देते हैं, फिर मैं प्लेट में डाल के रेडी करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हेलो गाइस, मैंने मेरा इलिस भापा रेडी हो गया, या सोरसे इलिस भी बोल सकते हैं, इलिस भापा भी बोल सकते हैं। देखिए इसका लुक इस तरह से आया, देख के तो यामी लग रहा है। और मैं राइस के साथ फिश ही खाना है तो मैंने राइस भी रेडी कर लिया, थोड़ा सा सैलेड है और जो घर में है वो। तो सबसे पहले मैं ये मसाला थोड़ा टेस्ट करती हूँ राइस में, देखते खाने में कैसा। फिश देखिए कितना अच्छा हुआ है, एकदम सॉफ्ट हो गया। कच्चा फिश बना ना लग नहीं रहा है कितना अच्छा है ना, और एकदम सॉफ्ट है। तब पहले खाना वाना खा लेते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया, खाना खा के आप लोगों से मिलते हैं। सब लोगों से एक बात करना है, अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लोग भी खा के बताइए कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।